हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद हर्षिता। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भरवा मिर्ची। इस रेसिपी को हम बनाएंगे वो भी खाली 10 मिनट में। अगर आपके घर में कोई सब्जी नहीं है तो आराम से ये बनाइए और खाइए। तो चलिए आज की मज़ेदार भरवा मिर्ची की रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने बड़ी वाली जो मिर्ची है इसे लिया है। इसे हम इस तरीके से हम इसको यहाँ से चीरेंगे और इसके जो बीज हैं वो निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम ऊपर की तरफ से नीचे तक ले जाएंगे, लेकिन नीचे से हम इसे पूरा नहीं काटेंगे और ये जो इसके अंदर के बीज हैं ये इसे हम निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी जो मिर्ची हैं उनको भी काट लेंगे। भरवा मिर्ची बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने लगभग यहाँ पे आधी कटोरी बेसन लिया है, एक चम्मच मैंने हल्दी ली है, स्वाद अनुसार नमक लिया है, एक चम्मच के करीब मैंने धनिया और जीरे का पाउडर लिया है, एक छोटी चम्मच मैंने जीरा लिया है, एक छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/4 टीस्पून यहाँ पे हींग ली है, यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर, लाल मिर्ची आपके स्वाद के अनुसार, और एक नींबू का रस मैंने यहाँ पे लिया है। ओके, तो चलो अब हम शुरू करते हैं हमारी भरवा मिर्ची बनाना। यहाँ मैंने एक बड़ी चम्मच के करीब तेल गरम कर लिया है। तेल के गरम होते ही हम इसमें डालेंगे हमने जो जीरा लिया था वो। हम यहीं पे हींग डाल देंगे। इसके बाद यहीं पर मैं हल्दी डाल दूंगी। मुझे देखिए, हमारा ये हो चुका है। अब इसमें यहाँ पे मैं बेसन डाल दूंगी, जो हमने आधी कटोरी बेसन लिया था, और बेसन को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। आपको कंटिन्यूस इसे चलाते रहना पड़ेगा ताकि हमारा जो बेसन है वो ना चिपके और ना जले। यहीं पे हम इसमें नमक डाल देंगे, धनिया जीरा का जो पाउडर है वो, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, मिर्ची और नींबू का रस। अब इसे अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे पहले तो। हमारा मिक्सचर हो चुका है, अब हम गैस यहीं पे बंद कर देंगे और इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसे थोड़ी देर हम ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हमारी जो मिर्ची है हम उसमें इसे फिल कर देखिए। हम इस तरीके से मिर्ची लेंगे और मिर्ची में हम इस तरीके से ये जो फिलिंग है ये इसको भर देंगे। ये देखिए, तो हर एक मिर्ची को हम इसी तरीके से करेंगे। ये जो फिलिंग है हम इस तरीके से इसको फिलिंग को भर देंगे। इस तरीके से हमने सारी मिर्चियों में स्टफिंग भर ली है। अब हम रखेंगे एक पैन। यहाँ मैंने एक बड़ी चम्मच के करीब तेल गरम कर लिया है। तेल के गरम होते ही हम इसमें एक एक करके हमारी सारी मिर्चियाँ रख देंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, लगभग 2-3 मिनट के लिए। लगभग 3 मिनट हो चुके हैं, हम हमारी मिर्चियों को चेक कर लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ एक फोक की मदद से इसको पलट लूँगी, आप देख सकते हो। ये देखिए, इसी तरीके से हमको सारी मिर्चियों को पलट लेना है। सभी मिर्चियों को पलट चुके हैं, थोड़ी देर वापस से हम इसको ढक के रख देंगे और हम 2-3 मिनट बाद वापस से इसे चेक करेंगे। लगभग 2-3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, हमारी मिर्ची अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब हम इस गैस बंद कर देंगे यहाँ पर और इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे।
हमारी भरवा मिर्ची लग रही है ना कितनी अच्छी, बस मन कर रहा है इसे खा जाए। तो इसी तरीके से आप भी बनाएं भरवा मिर्ची और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये मिर्ची।